यह क्या है? यह सवाल आप दर्शकों के दिलो दिमाग में भी उठ रहा होगा। सवाल तो यह भी पैदा हो रहा होगा कि अक्सर रौब गांठती पुलिस का यह कौन सा नुस्खा है कि हर आने जाने वालों के मुंह में मुंह मिलाती हुई नजर आ रही है। यही नुस्खा अपनाते हुए पुलिस एक आदमी से दूसरी आदमी की तरफ रुख क्यों कर रही है? यह सवाल तब और भी प्रासंगिक हो जाता है जब कोरोना का नया वेरिएंट अपनी खौफनाक दस्तक दे रही हो और बताया जा रहा है कि यह पुराने वेरिएंट से भी ज़्यादा खतरनाक है। आखिर जिस दौर में सबको मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी जा रही हो, उसी दौर में बिहार पुलिस का मुंह से मुंह मिलाकर कुछ रस्म जैसी कार्रवाई हैरत में डाल देती है। असल में बिहार में इस समय जो कुछ भी चल रहा है वह सब कुछ हैरतअंगेज है। चंद गांव और छोटी सी आबादी के बीच होने वाली किसी पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का करोड़ों का खर्चा भी हैरत पैदा करता है। लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण में फैले इस भ्रष्टाचार का रंग रूप भी हैरत में डालता है। और जाहिर है कि इन सब हैरत के बीच की जो सबसे बड़ी हैरत है वह है शराबबंदी वाले बिहार में शराब के सूर से पैदा होती सिस्टम और व्यवस्था की हरारत। जी हाँ, आपने ठीक सुना, यह शराब की शरारत नहीं, व्यवस्था की हरारत ही है। हाईटेक हो चुके दुनिया जहान के पहले गणतंत्र की इस धरती के पुलिस थाने में आज भी टेक्नोलॉजी का बिहान नहीं हो पाया है। किसने शराब पी है और किसने शराब नहीं पी, यह पता करने के लिए पुलिस के पास आने जाने वालों के मुंह सूंघने के अलावा कोई चारा नहीं है। बेचारा बना दिए गए इस महकमे में जब्त शराब की बोतलें कभी चूहे गटक जाते हैं तो कभी इसकी नीति नियंता यानी विधानसभा के दरवाजे पर बोतलें उमड़ पड़ती हैं। यानी चूहे से लेकर व्यवस्था के चौकीदार तक नशे में हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा है कि शराबखोरी को रोका कैसे जाए, शराब पीने वालों को पकड़ा कैसे जाए। शराब पीने वालों के साथ पुलिस का यह बर्ताव बताता है कि यह व्यवस्था ही नशे में है, क्योंकि यहाँ पुलिस ही मुसुंघवा बना दी गई है। बिहार पुलिस कोरोना अवधि में अपने ही स्लोगन को भूल गई है कि दो गज दूरी मास्क है जरूरी। वह मास्क नहीं पहनने वाले राहगीरों का चलान काटना तक भूल गई है। दरअसल बिहार की कानून व्यवस्था यह सब इसलिए भूल गई है और मुसुंघवा बना दी गई है क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से मौत होने की खबरों का सैलाब अचानक से अलग अलग जिलों में बढ़ने लगा है और इस खबर ने सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।